गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एसके सिंह व्लॉग में आपका स्वागत है। गाइस, लो हो गया सफ़र शुरू हमारा। तो गाइस, आज हम जा रहे हैं हिमाचल में, एक जगह है मैक्लोडगंज। तो हमारी वॉल्वो है, वॉल्वो का टाइम है 8 बजे का, तो हमें वॉल्वो पकड़नी है, देन हमें धर्मशाला, वहाँ से हमारा त्रिउंड का प्लान है। तो ये जो प्लान है गाइस हमारा रेंडमली अभी जस्ट इंस्टेंट बना है, क्योंकि हमारा जो प्लान था वो 2 दिन बाद का था। तो गाइस हमने आज का प्लान बना लिया इंस्टेंट, तो हम आज ही जा रहे हैं क्योंकि ऑफिस में किसी को छुट्टी नहीं मिलने वाली थी। फर्स्ट लेंगे हम अपनी वॉल्वो जो कि खड़ी है मजनू के टीले में, वहां से बनके चलती है वॉल्वो। उसका फेयर जो पड़ रहा है वॉल्वो का, वो आपको मैं बता देता हूँ गाइस, वो पड़ रहा है 650 रुपीज का। जी हाँ गाइस, सही सुना आपने, 650 रुपीज का वॉल्वो का किराया, और ये बहुत ही ज्यादा ही चीपेस्ट है। तो चलते हैं अपनी सफर की ओर और दिखाते हैं आपको नए नए नज़ारे। चलो गाइस मिलते हैं। सो गाइस, अभी हम आए हैं गौरव के घर पे और गौरव मेरे साथ ही है। भाई का थोड़ा सा मूड अपसेट है, बट कोई नहीं, हम ठीक कर देंगे मूड गौरव का। और बाकी हमारी जर्नी होती है स्टार्ट यहाँ से गाइस। तो हम चलते हैं सीधा मजनू के टीले में, वहीं पे जाके मिलते हैं आप लोगों से। सो गाइस, हम आ गए हैं मजनू का टीला, जहाँ से हमें वॉल्वो मिलेगी फिलहाल अभी। तो हम अपनी वॉल्वो देख रहे हैं कि कौन सी वॉल्वो है हमारी। तो अभी फिलहाल जिस बस के लिए हम वेट कर रहे हैं उसको अभी टाइम है थोड़ा सा आने के लिए, तो ये हमारी बस नहीं है फिलहाल। तो चलो अपनी बस में देखते हैं, बस ढूंढते हैं और बस में विजिट करते हैं अंदर। आ गए हैं शोभा और शोभा के डैडी, और अभी जस्ट हमें अभी जस्ट मिले हैं, और साथ ही साथ हमारे अंकल भी हैं। बहुत एक्साइटमेंट फील हो रही है, अभी बस का वेट कर रहे हैं, बस बस आने वाली है और बाकी सब भी आ ही रहे हैं। बहुत मतलब एक्साइटमेंट फील हो रही है, कब जाएंगे, कब चलेंगे बस। ओके, तो अंकल आप क्या कहना चाहते हो मतलब इस जर्नी के लिए हमारे? तो फिलहाल राजीव और शील का वेट कर रहे हैं, जैसे ही वो लोग आ जाते हैं बस में चढ़ते हैं और चलते हैं सीधा हिमाचल। तो गाइस फाइनली सारे हो गए इकट्ठे, राजीव, शील और सब, शोभा अंकल और गौरव भी आ चुका है। उधर खुशी हो रही है, बस अब बस का वेट कर रहे हैं वॉल्वो का, कि जल्दी से वॉल्वो आई। हमारी बस आ गई है काफ़ी लेट करवाने के बाद। बस का जो टाइमिंग था वो था 8:30, यहाँ पे टाइमिंग हो रहा है 8:40, तो बस 10 मिनट लेट है। तो क्या कर सकते हैं, कुछ कर तो सकते नहीं है, तो चलते हैं फिलहाल बस के अंदर। बस हमारी ये है सिटी लैंड वॉल्वो, तो हम भी चलते हैं अपना लगेज रखे और सीधा चलते हैं अंदर बस के, और दिखाते हैं कौन सी सीट हमारी कहां पर है। सो गाइस फिलहाल बस में हम चढ़ रहे हैं अंदर, काफ़ी फ्लेक्सिबल सीट्स हैं, और फिलहाल अभी तो बस खाली लग रही है, पूरी बस खाली है। तो हमारी गाइस लास्ट सीट है, सेकंड लास्ट बोल सकते हो आप, सेकंड लास्ट है ना अपना। चलो 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 गाइस, 24-25 किसकी है? 24-25 देखना एक बार। सो गाइस फाइनली हमें भैया मिले, जो वॉल्वो के ओनर कह सकते हो भैया को, आप इनके पास आओ और बुक करवाओ अपनी टिकट को, और आप इनके साथ जा सकते हो, आपकी यात्रा भी अच्छी रहेगी भैया के साथ, और भैया काफ़ी अच्छी स्माइल दे रहे हैं। तो भैया से पूछते हैं, भैया आपके एक बार कॉन्टैक्ट नंबर बता दो, क्या फेयर है बस का वॉल्वो का? 9899151311 सिटी लैंड ट्रैवल। ओके, तो जैसे भैया का आपने नंबर नोट कर लिया, भैया बस आप ये बता दो हमारे व्यूअर्स को कि बस का जो फेयर है वो मैक्स कितना है, चीपेस्ट से और कितना अप जाता है? मैक्सिमम हमारा प्राइस कम ही रहता है। ओके, और हमारी बस भी ओके रहती है। और गाइस जैसे कि भैया ने बता दिया, और बस काफी शानदार है, इंटीरियर काफी अच्छा है, साफ सीट है, बहुत नीट एंड क्लीन है। बात ये है कि आपको ड्राइवर फ्रेंकली मिलेगा। हाँ, ये चीज बहुत अच्छी है। चलो भैया मिलते हैं आपसे। ओके, तो गाइस बात जैसे भैया ने आपको बता दिया, नो डाउट गाइस जो फेयर है बहुत अच्छा फेयर लगा है मेरे को, और मैं चाहूंगा सिटी लैंड नाम है बस का, और इसमें आके अपनी यात्रा शुभ कर सकते हैं। तो चलो गाइस चलते हैं हम आगे की ओर, बस होती है हमारी यहाँ से मूव। भूख अभी लग रही थी, हमने खा ली इडली, सॉरी मैं आपको दिखा नहीं पाया गाइस, क्योंकि इडली का थोड़ा सा बुरा ही हाल हो गया था इस चीज़ के। और देखो गाइस यहाँ पे भी व्लॉग बन रहा है, एक हमारे पास दो व्लॉगर है, एक तो मैं हूँ और एक मेरा भाई है छोटा, ये भी व्लॉग बनाता है। इसके चैनल को भी लाइक करो, और एक बार अपने चैनल का नाम बता दो भाई। मेरा चैनल का नेम है RK Singh 028, एक्चुअली वो मेरा नहीं है, सिर्फ मैं और शोभा दोनों मिलके चला रहे हैं। तो गाइस दोनों मिलके चला रहे हैं, तो गाइस आई होप आप इनके चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को एंड तक वॉच करना और देखना कैसा लगा, और कमेंट जरूर करना। तो फिलहाल अभी हम देखते हैं बैग के अंदर क्या है। तो गाइस बैग के अंदर देखते हैं क्या है, खाने का कुछ लग रहा है मेरे को। चेन खुल गई है, और गाइस बहुत सारा सामान है यार, ये तो बहुत सारा सामान है गाइस, खाते हैं और एंजॉय करते हैं लेगा तो भाई, चलो चलो लूटो लूटो लूटो। सो गाइस फाइनली हम पहुंचे हैं जस्ट अभी कुरुक्षेत्र में,
और यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट ढाबा पड़ा है कुरुक्षेत्र में, और द ढाबे का नाम है गाइस टेस्ट ऑफ इंडिया। और ये है हमारी बस सिटी लैंड जो यहाँ पे हुई है लैंड। तो चलते हैं, ये शोभा सारे यहीं पे इकट्ठे हुए हैं। गौरव कहाँ है? गौरव अंदर है, तो गौरव निकल रहा है हमारा बस से बाहर। गौरव भाई आ जाओ। तो गाइस ये ढाबा है द टेस्ट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे गाइस चाय वाय मिल रही है, कुल्हड़ की चाय मिलती है यहाँ पे, बढ़िया कुल्हड़ लगा रखे हैं चाय वाले। तो गाइस फाइनली हमने कर लिया अपना डिनर, और मैं आपको बताना चाहूँगा, इनसे पूछना भी चाहूँगा कि इनको डिनर कैसा लगा। तो चलो पूछते हैं इनसे, चलो चलो चलो, कैसा लगा डिनर? और बताना चाहूंगा ढाबे का खाना वैसे हाइजीनिक नहीं होता, अनहाइजीनिक ही होता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, खाओ तो कम खाओ क्योंकि रात का सफर है। हाँ जी गाइस, बाकी सब कुछ बढ़िया था, मेरे को सब कुछ अच्छा लगा। और मैं बताना चाहूंगा, अर्ली मॉर्निंग हम नेक्स्ट मॉर्निंग हम पहुंचेंगे कहाँ पे गाइस? हिमाचल। तो हिमाचल हम जा रहे हैं मैक्लोडगंज। मैक्लोडगंज में हम स्टे करेंगे, पहला स्टे हमारा मैक्लोडगंज, फिर जाएंगे हम त्रिवेणी। बाकी का ब्लॉग बाद में, कल दिखाते हैं, सब अभी दिखा नहीं सकता ना, तो कल ही दिखाएंगे। चलो मिलते हैं कल। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग सबको। और अभी जस्ट हम पहुंचे हैं धर्मशाला में, तो यहां से लेंगे हम अपनी बस मैक्लोडगंज के लिए, और मैक्लोडगंज में ही हम स्टे करेंगे आज का। तो चलते हैं गाइस। हेलो गाइस, फिलहाल हमें मिल गई है बस जो है यहां पे HRTC लोकल बस जो मैक्लोडगंज जाती है, और धर्मशाला से मैक्लोडगंज पड़ता है। बस में 25 मिनट्स का डिस्टेंस है, और इसका जो टिकट का फेयर है वो है 20 रुपये, तो कितना है ना चीपेस्ट। तो चलते हैं सीधा बस के, और ये बस है, और अंदर चलते बैठते हैं। और लिखा भी हुआ है गाइस, देख लो, धर्मशाला मंडी मैक्लोडगंज लिखा भी हुआ है। तो चलो अंदर चलते बस के। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टाइम हो रहा है 8:30, और अभी हम बैठे हैं जस्ट बस में। हमने वॉल्वो लेफ्ट कर दिया है, अभी हमने गवर्नमेंट कोई HRTC बस है वो पकड़ी है, वो जा रही है सीधा मैक्लोडगंज, क्योंकि हमने सोचा टैक्सी नहीं लेंगे, टैक्सी का फेयर था काफ़ी एक्सपेंसिव, तो हमने सोचा नहीं यार ये कोई रीजनेबल नहीं है, तो हमने सोचा बस लेंगे। बस में हम अभी बैठे हैं, तो जा रहे हैं मैक्लोडगंज। चलते हैं एक्सप्लोर करते हैं हम लोगों के लिए मैक्लोडगंज। फिलहाल पहुंच गए हम मैक्लोडगंज अपने भाई के साथ। तो भाई कैसा लग रहा है यार? ठंड है भाई, सच बता रहा हूँ ठंड है भाई, मेरे को सच में नहीं पता था कि ठंड है, और पता चल रहा है कि ठंड है यहाँ पर। क्या ही ठंड है यहाँ पे भाई, सबको ठंड लग रही है। और भाई अभी जस्ट पहुंचे हैं बस से, बस ने हमें यहीं उतारा है मैक्लोडगंज। तो भाई चलते हैं कैफेज वैफेज लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं आगे, चलते हैं जर्नी कवर करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, बाहर निकलते हैं, थोड़ा सा फ्रेश फ्रेश होंगे, उसके बाद ही निकलते हैं। तो गाइज ये रास्ता जा रहा है मैक्लोडगंज के लिए, जो जहाँ पे कैफे मिलते हैं। हम लेंगे टॉप वाला कैफे जहाँ से पूरा व्यू दिखे, क्यों भाई? देखते क्या है, लेंगे वही कैफे यार, नहीं तो आना वेस्ट है भाई। तो गाइस ये है मार्केट मैक्लोडगंज की, यहाँ पे आप रेस्टोरेंट है, कैफेज हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है यार। तो गाइस यार फिलहाल अभी मैंने और दोस्तों ने डिसाइड किया है कि हम मैक्लोडगंज नहीं रुकेंगे, क्योंकि यार वहाँ पे ना हमें वो जो व्यू था ना वो नहीं पसंद आया, तो नीचे है, हम नीचे से ही आ रहे हैं। और पहले हमारा मन था कि मैक्लोडगंज रुकते हैं,
पर हमने मना कर दिया, नहीं यार मैकलॉडगंज नहीं रुकेंगे भाई, नीचे है काफी, हमें जाना ऊपर। ऊपर का जो व्यू आता है ना, वो आता है ऐसा अल्टीमेट कि बंदा बोलता है कि भाई सब कुछ वर्थ इट है, वर्थ इट, पैसा दिया है पूरा वेस्ट नहीं किया, पूरा मजे लिए उन पैसों से। तो हमें चाहिए कैफे टॉप का, हम जा रहे हैं धर्मकोट। धर्मकोट दिखाते हैं आपको, वहाँ पे कैफे लेते हैं, रूम लेंगे वहीं पे ही, और वो दिखाएंगे आपको कि कैसा है। बाकी आप एक बार व्यू चेक कर लीजिए। ये रास्ता जा रहा है, पीछे जो रास्ता ना ये धर्मकोट के लिए जा रहा है। यहाँ से अगर आप कभी भी आते हो तो नीचे मैकलॉडगंज है, बस स्टैंड से धर्मकोट का वॉकिंग डिस्टेंस है 2 किलोमीटर, तो हम तो वॉक करके आएंगे। अगर आप कैब वैब लेते हो तो वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वॉक करो, सेहत बनाओ, हेल्दी रहो। चलते हैं धर्मकोट की तरफ, लेते हैं रूम। सो गाइस, फिलहाल मैं पहुंच गया हूँ धर्मकोट विलेज में। आप देख सकते हो यहाँ पे ये छोटी सी एक मार्केट है, और ये कैफेज हैं, काफ़ी अच्छे कैफेज हैं, काफ़ी पीस है। यहाँ पे आप लोगों के लिए आया हूँ धर्मकोट, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही ब्यूटीफुल विलेज है, काफ़ी ग्रीनरी है यहाँ पर, और साथ ही साथ यहाँ पे काफ़ी फॉरेनर्स स्टे करते हैं। गाइस ये अभी मिले हैं, इतना घूम घूम के इनको कुछ पता ही नहीं कहाँ चले गए, रास्ते में ये खो गए ये। गाइस सब्सक्राइब, सब्सक्राइब माय चैनल आरके सिंह 02। भाई का चैनल भी सब्सक्राइब कर देना। चलो रूम दिखाते हैं, आगे रूम है। तो गाइस ये मार्केट है काफ़ी अच्छी। सो गाइस फाइनली अभी हमने रूम कर लिया डिसाइड। इससे पहले वाला जो रूम था, जो हमें 1200 में 2 रूम्स मिल रहे थे, वो मुझे तो पसंद आया, बट लड़कियों को पसंद नहीं आया। मुझे नहीं पता क्यों नहीं पसंद आया, बट 1200 रुपये में 2 रूम, भाई मेरे हिसाब से तो भाई एक नंबर था। सही बात, ठीक है, मानता है गौरव? सही बात भाई, 200 रुपये भी बच रहे हैं तो क्या दिक्कत है, अपना ही पैसा है। और अब हम जा रहे हैं नए रूम में, जो अभी नई प्रॉपर्टी ली है। बाकी पीछे साइकेडेलिक आइडियाडेलिक बना हुआ है, घर वालों को मत लेकर आया करो यहाँ पर, अच्छी बात नहीं होती। यहाँ पे बिगड़े लोग आते भाई। चलो हम आपको बाकी प्रॉपर्टी दिखाते हैं गाइज ऊपर। तो गाइज ये है प्रॉपर्टी, यहाँ हम स्टे कर रहे हैं। तो रूम दिखाते हैं अंदर से आपको कि कैसा है रूम है। और बाकी गाइज व्यू चेक करो एक बार, अब आपको ऊपर से दिखाते हैं व्यू, ये तो नीचे से दिखाए ना, ऊपर वाला भी देख लेते हैं, ऊपर वाला भी सेम ऐसी ही है। तो गाइस ये प्रॉपर्टी, अपना लगेज रखते हैं, बाकी व्यूज देख लो यार, व्यू चेक कर लो भाई अल्टीमेट। वो देखो पैराग्लाइडिंग हो रही है वहाँ पे, शायद आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है वो सारे वो थे, व्यू अच्छा इधर, एक नंबर एक नंबर। तो भाई जी आपका क्या ख्याल है, व्यूअर्स को क्या बताओगे, कुछ बताओ व्यूअर्स को, आपको लाइक करें, आपके पास आए, कुछ तो बताओ, आपकी स्माइल बड़ी अच्छी है भाई। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो आहा, सिंहासन में बैठे हो, सिंहासन में चिप्स खा रहा है भाई गौरव, भाई सही है, बहुत बढ़िया। नहीं नहीं मैं नहीं खाऊंगा अभी, तो बस है भाई गौरव मजे ले रहा है। ये देखो व्यू भाई, दोबारा दिखा देता हूँ व्यू, एक नंबर शानदार व्यू है। तो चलते हैं अंदर और लगते हैं अपना लगेज। बाकी हो गया हूँ मैं बहुत ज्यादा थक। तो गाइस व्यू देखो यार, कितना अमेजिंग व्यू है यार, मैं तो ना क्या बताऊँ यार, मैं तो क्रेजी हो गया हूँ व्यू देख के। तो यार अच्छा ये बताओ, व्यू छोड़ो यार गौरव भाई, ये बताओ अपन कैसे लग रहा है? एक नंबर सेक्सी, सेक्सी लग रहा हूँ, पतली कमरिया तेरी, हाय हाय, कमरिया तेरी, हाय हाय। सो गाइस अभी हम निकले हैं रेडियो के, चलते हैं आगे मार्केट में, चलते थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं आप लोगों के लिए। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हुडी जैकेट्स हैं, काफी वार्म है, वूल अच्छा वूल है काफी। भैया कौन सा फैब्रिक का है, ये कौन से फैब्रिक का बना हुआ है? हाँ आकून, आकून, ये कहाँ की वूल है? अच्छा हर्जे की से आती है। ओके तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, मतलब गर्ल्स के लिए भी है, बॉयज के लिए भी मिल जाएंगे जैकेट्स हैं, और ये कुछ गर्ल्स का है, ये मिल जाएगा यहाँ पे। जैकेट्स अच्छी हैं, मतलब छूने से अच्छा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा वार्म सी लग रही है, मतलब कपड़ा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, मतलब बहुत वार्म है। तो ये गर्ल्स के लिए ड्रेसेस हैं, आप ये देख सकते हो, ये कुछ इजरायली मेड है, और यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हैं, काफ़ी अच्छी स्टॉल लगा रखी है भैया ने। अच्छा भैया ये आप खुद ही बनाते हो ना?
ओके, वैसे आप कहाँ से? यहीं से ही हो आप? यूपी से आप? ओके, मैं अभी यूपी से हूँ, कानपुर से। हाँ तो हाँ जी भैया, कानपुर से पीछे हो? अच्छा, तो पड़ोसी हुए हम तो आपके फिर। कन्नौज? हाँ कन्नौज। ओके, तो भाई जी हमारे कन्नौज से, यहाँ पे अपना ही काम है आपका ये? अच्छा, काम करते हैं तो भाई अपना काम करते हैं। पर भाई का हाथ बड़ा अच्छा है यार, मतलब बहुत अच्छी अच्छी जैकेट्स बना रखी है भाई ने, वो काफ़ी वार्म है यार। भैया इनके प्राइसेस क्या हैं, कितने कितने की है? इसमें 450 है ये वाली, 450 की। अच्छा, ये 1000 की है? 850 का है। 850 का है? ये 800 का है। ये 800 का है? अच्छा, ये सारे 800 में है? नहीं, ये 400 का है। ये 400 के हैं? अच्छा हाँ गाइस, मुझे पता चल रहा है ये वूल थोड़ी बहुत अच्छी वूल है। और ये कौन सा कपड़ा है भैया, ये कौन सा? ये भी बोले? अच्छा। ओके, तो गाइस आप यहाँ पे आओ, भैया यही भैया मिलेंगे हमेशा आप, ये आपको डिस्काउंट भी कर देंगे, जितना भी उनका डिस्काउंट वो दे सकते हैं अपने हिसाब से। और ये जैकेट्स कितने की हैं? 850 की हैं। ओके, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा यार ये। और ये जैकेट कितने की है भैया वाली? अच्छा, 1000 की है। और इसमें कुछ डिस्काउंट भी है आपकी तरफ? तो भैया कह रहे हैं कि डिस्काउंट मिल जाएगा, आप आइए आप लीजिए तब आपको डिस्काउंट देंगे, अच्छा कंसेशन मिल जाएगा आपको गाइज यहाँ पे। सो गाइज फिलहाल अभी हम आए हैं अपना लंच करने के लिए इस कैफ़े में। कैफ़े का नाम एक बार दोबारा रिपीट करना, कैफ़े का नाम क्या है? जॉय फूड। ओके, तो कैफ़े का नाम है ब्रो जॉय फूड, यहाँ पे आप आइए और अच्छा आपको लंच मिलेगा, डिनर फैसिलिटीज़ मिलेगी। और यहाँ से आप बैल्कनी है, आप विंडो साइड पूरा नज़ारा देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा, बहुत ही यूनिक है। और कैफ़े काफ़ी ठीक है, मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कैफ़े में कि नीट एंड क्लीन है, और बैठने का जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो भी काफ़ी अच्छा है। ओके, तो ऊपर भी जा सकते हैं? तो चलो गाइस ऊपर भी चलते हैं, आपको लेकर ऊपर भी जा सकते हैं बैठने के लिए। तो चलते हैं ऊपर, देखते हैं क्या है क्या नहीं है, कैसे सिटिंग है। ओके, तो ये रूफ टॉप है और यहाँ पे मुझे सेटिंग बहुत अच्छी लग रही है। मतलब कैफे तो अच्छा है। तो चलो यहाँ पे हम अपना लंच करते हैं, जो काफ़ी टाइम से भूख लग रही थी हमें, तो करते हैं अपना लंच। हेलो गाइस, फिलहाल आ गया हमारा खाना, और खाना बहुत ही अमेजिंग लग रहा है और काफ़ी लजीज लग रहा है। आप देख सकते हो शाही पनीर का जो कलर है, अलग ही कलर दिखा रहा है। और अभी रोटियाँ भी आ रही हैं, और भी हमने कुछ मंगाया है, तो काफ़ी लेट हो गया आने में, तो हमें काफ़ी भूख लग रही है। तो लोग बस खाने में लगे हुए हैं, और अच्छी बात है कि जिसको भूख लग रही है ऑब्वियसली खाओ यार, क्यों किसी के लिए वेट करो। तो शोभा है, राजीव है, अश्लील है, गौरव है, गौरव ने स्टार्ट कर दिया, सबने स्टार्ट कर दिया। तो गाइस खाना बहुत ही ज़्यादा लजीज था जो बनाया था भैया ने, और भैया के हाथ का यार अलग ही स्वाद है, मतलब यार मम्मी वाला स्वाद आ गया। खाना सच में बहुत लजीज था, और आप ये मत सोचो खाना बड़ा एक्सपेंसिव है, खाना एक्सपेंसिव नहीं है, खाना बहुत अच्छे रेट पे है। और आप आओ यहाँ इस कैफ़े में, आप चलो भैया से बात करते हैं, भैया को कैसा लगा, कुछ रिव्यू देना चाहोगे हमारे व्यूअर्स को भैया? हाँ ज़रूर, आप भैया के चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखते रहें ऐसी अच्छी, और भैया के खाना, भैया के हाथों का खाना खाते रहिए, खाना बहुत स्वाद था सच में। खाना मैंने नहीं, हमारी दीदी है उन्होंने बनाया। ओके, तो भैया की सिस्टर ने खाना बनाया है, तो सच में यार उनको मेरी तरफ से सल्यूट कि खाना सच में बहुत टेस्टी था। और बाकी अभी तक खा रहे हैं, तुम खाते रहोगे क्या सारे? अच्छा बना ना खाना, मतलब ये बात ही है। सो गाइस अभी हम जस्ट आए हैं मैक्लोडगंज के माल रोड मार्केट में, और आप देख सकते हो भीड़ कितनी सारी है। तो जैसे ये पहली शॉप हमें मिली है, इस शॉप में आपको मिलेगा जूस है काफ़ी वैरायटी का, आपने देखा होगा पहले हमने कभी ऐसे भी जूस पिया होगा इस टाइप का, ये काफ़ी सारे फ्लेवर्स हैं इस टाइप के भी, हमने कभी लाइफ में जूस पिया होंगे, हमें दिल्ली में हमें बहुत पिया है, सीपी में मिलते थे। तो ये भैया की एक तरीके से बेकरी है, और यहाँ पे आपको केक पेस्ट्री सब कुछ मिलता है। तो आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के केक्स हैं, यहाँ पे चोको लावा मिल जाएगा, फुल ऑफ चॉकलेट मिल जाएगा, चोको फंटेस्टी मिल जाएगा, ब्लैक फॉरेस्ट मिल जाएगा, चोको टफल मिल जाएगा, चीज़ केक है, बटर स्कॉच है, तो देर इज सो मैनी काइंड ऑफ केक्स वो दे शॉप है। और सेकेंड शॉप में आपको दिखाता हूँ, ये है यहाँ पे आपको ज्वेलरीज, कुछ हैंडीक्राफ्ट बैग्स मिल जाएंगे आपको, जो काफ़ी यूनिक है। तो इस तरीके की शॉप्स हैं ये, और यहाँ पे आपको बहुत से हैंडमेड ज्वेलरीज, क्लोथ्स,
बैग समथिंग कुछ मिल जाएंगे। और ये एक और शॉप है, यहाँ पर भी आपको ये शॉल्स मिल रही हैं, ये शॉल्स हैं यहाँ पर, और ये बेल्स लगी हुई हैं ऊपर काफ़ी, और ये ड्रीम कैचर्स हैं, काफ़ी अच्छी अच्छी बेल्ट्स हैं यहाँ पे, और ये भी मिल जाएगा आपको, ये भी जो गेट पे लगाते हैं ना नज़र के लिए, ऐसी कुछ होता है शायद, मुझे इतना पता नहीं है। और बाकी ये देख लो गाइस, ये शॉप की लुक ये है, छोटी छोटी शॉप्स हैं बट काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी मुझे शॉप। यहाँ पे कपड़ों की शॉप है, शॉल मिल रही है यहाँ पे, कहते हैं कि वो पशवानी शॉल होती है शायद वही, बट यहाँ पे ओरिजिनल नहीं मिलती, ये सब लोकल्स होती हैं। बट आप कश्मीर में भी ऐसी मैंने बहुत शॉप्स देखी थी जो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की शॉल्स मिल रही थी जो। तो आगे चलते हैं गाइस, ये है यहाँ की नॉर्थ, ये बेकरी है एक तरीके की, ये तिब्बतन बेकरी है। जैसे आपने देखा होगा कि कसौल में जर्मन बेकरी देखी होगी आपने कसौल साइड में, तो ऐसी सेम ये भी एक काइंड ऑफ बेकरी है जहाँ पर आपको बिस्किट्स मिलते हैं, आपको इसमें लिखा भी हुआ है शायद आलमंड कुकीज़ है, सी सेम्स है कुकीज़, चॉकलेट चिप्स कुकीज़ हैं। ये छोटी कुछ दुकान है जहाँ पे बच्चों के टॉय मिल जाएंगे आपको, और छाते अम्ब्रेला मिल जाएगा, ये कुछ बच्चों के टॉय हैं, सॉक्स लटकी हुई हैं यहाँ पे, कुछ सूती टाइप ऑफ कुछ कुर्तीज़ हैं, ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे। तो सेम यहाँ पर भी ये वही है, आपको कपड़े की शॉप है, और यहाँ पे शूज़ देखो गाइस, यहाँ पे किड्स कलेक्शन है, यहाँ पे शूज़ का है, बच्चों के शूज़ मिल जाते हैं, सैंडल्स मिल जाती हैं, तो इस टाइप की कुछ मार्केट है। और ये है हमारी मॉनेस्ट्री, अंदर जा नहीं सकते क्योंकि अंदर जाने के लिए टाइमिंग होती है जो कि अभी हम नहीं विज़िट कर सकते। ये सब तिब्बतन्स ने खोला हुआ है शॉप्स, उन्हीं की मार्केट है। और देखो यहाँ पे कुछ अच्छी क्रॉकरीज मिल रही हैं, आप देख सकते हो बाउल्स हैं अच्छे, और कुछ अच्छी क्रॉकरीज हैं, और कुछ समथिंग आपको टी कैटल मिल जाएगा। तो ये कुछ छोटी छोटी शॉप्स हैं, काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग है। अम्ब्रेला है यहाँ पर गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। और मार्केट में थोड़ा बहुत रश तो होता ही है, देखो हर मार्केट में होता है गाइस। और अंदर चल के मैं आपको दिखाता हूँ, ये थोड़ी शॉप में कोई इंटरेस्टिंग लगी यहाँ पे मुझे, ये कुछ हैंडीक्राफ्ट बैग्स हैं। चलते हैं अब राजीव और उनके पास, उनके पास चलते हैं, वो शायद पीछे रह गए हैं, मैं आपको दिखाने के लिए आगे आ गया था। तो गाइस अभी हम एक स्टोर पे आए हैं जहाँ पे बहुत ही एंटीक चीज़ें मिलती हैं, यहाँ पे आपको बहुत डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ स्टैचूज मिल जाएंगे जो बहुत ही अपने अंदर ही एक यूनिक है। और जैसे कि आपने यहाँ पे देखा लॉर्ड बुद्धा का इतना प्यारा स्टैचू है यहाँ पे ब्रास का, काफ़ी अच्छा है, जैसे आप ये देख सकते हैं यहाँ पर भी लॉर्ड बुद्धा का काफ़ी अच्छा ब्रास का स्टैचू है। भैया इसका कॉस्टिंग कितना है? 24,000। ये प्योर ब्रास है ना? प्योर ब्रास है। तो गाइस देखो कितने सुंदर मतलब लग रहे हैं अंदर बुद्धा इसमें, और भी डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर स्टैचूज हैं, आप छोटा लेना चाहो छोटा भी ले सकते हो, बड़ा लेना चाहो तो बड़ा भी ले सकते हो। तो फिलहाल अब हम चलते हैं गाइस, हमने घूम लिया है काफ़ी यहाँ पे, और मार्केट भी थोड़ी अच्छी लगी मेरे को, थोड़ी क्या काफ़ी अच्छी है। सो गाइस टाइम हो गया है शाम का, 6:30 बज रहे होंगे, और अभी कहाँ पे हम, अभी हम हैं मैकलॉडगंज के माल रोड मार्केट में, एकदम नीचे हैं बॉटम साइड में, जहाँ पे अभी हमने देखा ये मैकलॉडगंज का स्काईवे। तो हम चलते हैं अंदर गाइस, मुझे लगता है खाना तो कुछ है नहीं अभी, हमें पेट भर चुका है, पर फिर भी देखते हैं कुछ खा तो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। आ जाओ क्या सीने, चले अंदर खाने या नहीं चले? अच्छा तो राजीव अंदर पहले घुस गए हैं। अच्छा तो राजीव देखो गाइस वो वहाँ पे खड़ा हुआ है इसके अंदर जाने के लिए, कि भाई सबसे पहले मैं अटैक करूंगा, चलो इसको पकड़ते चलो है, जल्दी गाइस भागो जल्दी भाग भाई, पकड़ना जल्दी आ रहा जल्दी। तो गाइस देखो ये रहे वो दोनों, ये रहे वो तीनों,
अच्छा ये अंदर ही नहीं गए यार, हमारा ही कट गया। चल छोड़ो यार, ब्लॉग के ऑनर भाई हम यहाँ पे खड़े हुए हैं और हम चल रहे हैं सीधा अपनी मॉनेस्ट्री में, करते हैं थोड़ी सी प्रेयर, उसके बाद चलते हैं, भूख लगी है कुछ खाते हैं और फिर चलते हैं सीधा रूम पे। तो गाइस चलो 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 चलते हैं चलते हैं चलते हैं। सो गाइस आप देख सकते हो कितना अच्छा फील आ रहा है मेरे को यहाँ पर, और काफ़ी सुंदर मॉनेस्ट्री बना रखा है। यहाँ पे हमारे मंक्स हैं जो हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं, खेल रहे हैं। गाइस हमारा प्रेयर हो चुका है मॉनेस्ट्री में और बहुत अच्छा लगा, आप लोगों को भी विजिट करना चाहिए गाइस, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा सुकून मिलता है। एंड चलो वो तो खैर बात की बात है, अभी हमें लग रही है भूख और हम जा रहे हैं मॉनेस्ट्री से, हम बाहर आ गए हैं, हम जा रहे हैं कुछ खाते हैं। तो गाइस ये एक तिब्बतन डांस है, तिब्बतन कल्चर है जिसमें डांस सेलिब्रेट करते हैं लोग और अपने ही साथ साथ अपने दूसरों के लिए खुशी मनाते हैं लोग। तो ये डांस है काफ़ी अच्छा और काफ़ी बढ़िया फेस्टिवल लगा मेरे को, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर लूं और आपको दिखाया जाए। सो जस्ट गाइस मैं अभी पहुंचा हूं अपने रूम में, ठीक है तो रूम देख लो, मैं अभी जस्ट अपने रूम में पहुंचा हूं। अब मैं बस जा रहा हूं अपना डिनर करने, जो कि हो गया रेडी, मैं जा रहा हूं नीचे डिनर करने कैफे में। तो डिनर करने के बाद यार कुछ नहीं, हमारा कोई प्लान नहीं है क्योंकि सारे बहुत थक गए हैं, क्योंकि आज ही हमारा इतना लंबा लॉन्ग ट्रैवल हो गया है, तो बस खाना खा के जा रहे हैं सोने सीधा यार। सो गाइस डिनर हमने कर चुके हैं और कैफ़े जो था वो ये था, कॉर्नर कैफ़े, बिस्ट्रो कैफ़े हाउस, काफ़ी